हेलो सब गाइस, के हाल चाल। तो यार आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रियलमी सी थ्री और रेडमी एट को। तो ये अपने को दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, और एंड में बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बने रहे वीडियो पे, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर की जाएगा, और हम इसी चैनल पे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं। तो यार चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइज, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सो है गाइज, दिस इज प्रीतम एंड यू आर वाचिंग दिस माय टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो हम बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो आपको जो दोनों की बेस्ट वेरिएंट है 4GB 64GB, उनकी प्राइस दोनों ही सेम देखने को मिल जाती है 799 799। तो यार प्राइस तो दोनों की सेम ही है। तो चले यार बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। तो आपको Realme C3 में देखने को मिल रहा है 6.55 इंच का IPS HD+ डिस्प्ले, वहाँ पे ही Redmi 8 में आपको देखने को मिल जाता है 6.2 इंच का IPS HD+ डिस्प्ले। तो मेरे ख्याल से यार डिस्प्ले जो है Realme C3 का ज़्यादा बेटर है Redmi 8 के मुकाबले। तो यार मुझे Realme C3 का डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा लगा है गाइस, और नॉच भी थोड़ा छोटा है। तो चले यार अब बात करते हैं इनकी बैटरी की। तो आपको Realme C3 में देखने को मिल जाते हैं 5000 mAh की बैटरी, और Redmi 8 में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों में आपको सेम ही बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। जो बड़ा डिफरेंस है गाइज वो इनकी पोर्ट्स में है गाइज। तो आपको Realme C3 में माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और Redmi 8 में आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्राइस रेंज में आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यार इस प्राइस रेंज में आपको टाइप सी देखने को मिल जाते हैं, 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो यार मेरे ख्याल से Redmi इट्स बेटर। तो चले गाइस अब बात करते हैं इनकी सेंसर्स की गाइस। तो Redmi 8 में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाते हैं, और जितने भी सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं वो सारे के सारे आपको Redmi 8 में देखने को मिल जाते हैं। बात करो अब C3 की, तो आपको इसमें फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल जाता, और IR ब्लास्टर तो कतई नहीं, क्योंकि Xiaomi जो है अपने सारे स्मार्टफोनों में IR ब्लास्टर प्रोवाइड करती है, और Realme जो है अपने स्मार्टफोनों में प्रोवाइड नहीं करती है। तो आपको IR ब्लास्टर और फिंगरप्रिंट तो नहीं देखने को मिल जाते C3 में, बट गाइज आपको जितने भी स्मार्टफोन में सेंसर होने चाहिए वो सारे C3 में मिल जाते हैं अलावा फिंगरप्रिंट के। तो यार सेंसर्स के मामले में यार Redmi 8 जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें Realme C3 से 2 सेंसर ज़्यादा है। चलिए यार बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की गाइज। तो आपको Realme C3 में देखने को मिल जाते हैं MediaTek Helio G70 का चिपसेट, और Redmi 8 में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 439 का चिपसेट। तो Redmi 8 का जो प्रोसेसर है वो Realme C3 को टक्कर नहीं दे सकता गाइज, क्योंकि Realme C3 का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बेटर है गाइज Redmi 8 के मुकाबले। तो Realme C3 में ना यार आप PUBG वगैरह हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हो, तो वहाँ पे Redmi 8 में जो आप PUBG वगैरह मीडियम सेटिंग में प्ले कर सकते हो गाइज। तो इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है Realme C3 में। तो यार प्रोसेसर के मामले में यार Realme C3 मुझे काफ़ी बेटर लगा Redmi 8 से। तो चलिए यार अब बात करते हैं इनकी कैमरास की गाइज। तो आपको Redmi 8 में और Realme C3 में दोनों में ही रियर में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं 12+2 का, और फ्रंट में आपको Redmi 8 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, और वहां पे ही Realme C3 में आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। मुझे लगता है यार Redmi 8 जो है कैमरे के मुकाबले में Realme C3 से बेटर है गाइज। तो चलिए अब बात करते हैं गाइज इनकी OS की। तो आपको Realme C3 में देखने को मिल जाता है Realme UI बेस्ट ऑन Android 10, और Redmi 8 में आपको MIUI 11 बेस्ट ऑन Android 9.5, बट गाइस आपको अपडेट के थ्रू Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए यार Realme C3 का जो OS है बेटर है गाइस, क्योंकि इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए यार अब बात करते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप 799 में कोई अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो यार आप डेफिनेटली Realme C3 के साथ जा सकते हो। अदरवाइज आप अगर मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हो, आप Redmi 8 के साथ जा सकते हो।
गाइस यार ये दोनों ही यार फोन सेम ही थे यार, प्रोसेसर को छोड़ के। ये थे यार कुछ रियलमी सी थ्री और रेडमी एट का कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस।